स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट. हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा स्टार्ट तो किया था. मैं एक बार जल्दी से आपको बता देता हूँ थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में जो उसके बाद के स्टूडेंट्स आए हैं. तो थर्मल कंडक्टिविटी से पहले ये जो टॉपिक है इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब है कि हीट कैसे ट्रांसफर होगी. हमने डिस्कस किया था तीन तरीके हैं हीट को ट्रांसफर करने के. पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन. कंडक्शन किन में यूज होता है? लिक्विड्स की गैसेस, सॉलिड्स. ठीक है, सॉलिड्स में यूज होता है, ना लिक्विड ना गैसेस, सॉलिड्स में यूज होगा. तो कंडक्शन सॉलिड्स में यूज होगा. मींस अगर सॉलिड में हीट ट्रांसफर हो रही है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन. मेथड क्या रहेगा? मेथड ये रहेगा कि कंडक्शन के अंदर आपकी जो एटम्स हैं वो थर्मल वाइब्रेशन में आएंगे. तो एक एटम दूसरे को वाइब्रेट करवाएगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, एंड सो ऑन. तो इससे क्या होगा? आपकी हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी. इस मेथड को कंडक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट जो मेथड है वो कन्वेक्शन है. कन्वेक्शन के अंदर लिक्विड और गैसेस जो हीट होते हैं वो हीट होंगे विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन. और कन्वेक्शन के अंदर बेसिकली करना क्या है? कन्वेक्शन के अंदर आपके जो मॉलिक्यूल्स गर्म हो रहे हैं, गर्म होके वो हल्के हो जाएंगे, लाइटर हो जाएंगे और वो ऊपर चले जाएंगे. जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आएंगे. मीन अगर मैं नीचे से इनको गर्म कर रहा हूं तो जो ठंडे मॉलिक्यूल्स फिर गर्म होंगे वो ऊपर चले जाएंगे. ये प्रोसेस चलता रहेगा बिकॉज सारे मॉलिक्यूल एक टेम्परेचर पे तो हो नहीं सकते. जो सबसे नीचे हीट के पास होंगे वो सबसे ज्यादा गर्म होंगे. तो इस तरीके से रोटेशन चलती रहेगी एंड आपकी जो गैसेज हैं और लिक्विड ऐसे गर्म होते रहेंगे. और लास्ट प्रोसेस का रेडिएशन. रेडिएशन के अंदर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन या वेव्स आपकी हीट ट्रेवल करेगी. तो सबसे पहले आज जो डिटेल में हमें स्टडी करना है वो कंडक्शन करना है. कंडक्शन में मैंने एक बड़ी बेसिक चीज बताई थी कि अगर मान लो ये हॉट सर्फेस है थीटा वन और ये कोल्ड सर्फेस है थीटा टू, तो देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस. कितना? थीटा वन माइनस थीटा टू टेम्परेचर डिफरेंस है. अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो ये सॉलिड है, ये बीच में सॉलिड है, तो हीट विल ट्रेवल फ्रॉम हॉट फेस टू कोल्ड फेस. ये पॉइंट भी क्लियर है. तो कितनी हीट ट्रेवल करेगी फ्रॉम हॉट फेस टू कोल्ड फेस, लेट से क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रेवल करेगी, जो डिपेंड करेगा किस पे? टेम्परेचर डिफरेंस पे. दोनों एंड पॉइंट के टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा. जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी हीट ट्रेवल करेगी. डिपेंड करेगा टाइम टी पे. जितने टाइम के लिए अगर आप हीट को पास करवाओगे उतनी हीट ट्रेवल करेगी फ्रॉम वन फेस टू अनदर फेस. और नेक्स्ट डिपेंड करेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे. एरिया ज्यादा होगा हीट पास करने का तो हीट भी ज्यादा ट्रेवल करेगी, एरिया कम होगा तो हीट भी कम ट्रेवल करेगी. और लास्ट डिपेंड करेगा डिस्टेंस बिटवीन फेसेस. अगर ये दीवार और इस दीवार, मान लो ये एक क्यूबॉइड रूम है जिसको मैं गर्म कर रहा हूँ, तो हीट को यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना है. अगर इन दोनों वॉल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत 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 बड़े, तो फॉर अ गिवन टाइम हीट बीच में रह जाएगी, बहुत ज्यादा हीट ट्रेवल नहीं कर पाएगी. तो इसलिए क्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस, दैट इज डी. और हमने इनको कंबाइन किया था तो क्यू वॉज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टाइम इंटू एरिया अपॉन डिस्टेंस. पॉइंट क्लियर है यहां तक? और लास्ट हमने क्या किया था? एक कॉन्स्टेंट लगाया था के. तो के का मतलब है यहां पर ये आपका के की वैल्यू, ये आपकी हीट की वैल्यू है. के स्टैंड फॉर कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. और ये बताएगा कि कोई मटीरियल गुड कंडक्टर है या फिर बैड कंडक्टर. अगर तो गुड कंडक्टर है तो ज्यादा हीट ट्रेवल करे, ज्यादा हीट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट ज्यादा पास कर पाएगा कोई मटीरियल. और अगर बैड कंडक्टर है तो क्वांटिटी ऑफ हीट कम होगी, क्यू की वैल्यू कम होगी. बहुत ही बैड कंडक्टर है कि एकदम जीरो है तो हीट की वैल्यू ट्रेवल नहीं करेगी, मीन्स पास ऑन नहीं होगी. यहां तक क्लियर है सबको? अब इसके बाद हमने क्या करना है? कन्वेक्शन, रेडिएशन. इट इज अ प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग एन इंटरवेनिंग मीडियम. हवा गर्म नहीं होगी, सनलाइट यहां से यहां आ जाएगी. तो मीडियम गर्म नहीं हो रहा लेकिन फिर भी रेडिएशन की फॉर्म में हीट ट्रेवल कर रही है. नेक्स्ट जो आज हमने टॉपिक करना है दैट इज रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिटेंस. देखो इस कॉन्सेप्ट को अगेन एक प्रॉब्लम है इस चैप्टर के, एक खास प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है? अगेन कन्वेंशन एक प्रॉब्लम है. कई बुक्स जो बुक्स इनको सॉल्व करती है इनके न्यूमेरिकल को, जैसे वो जो टॉपिक था ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस,
बड़ा अजीब सा टॉपिक था, हर कोई बुक अपने अपने हिसाब से करती है, और हमने मैंने एंड में बता दिया था पर मॉलिक्यूल पर मोल का, एंड में मैंने जो आपको पेज लिखवाया था वो बेस्ट पेज था मेरे हिसाब से। उसी तरीके से एक बार हमें देखना है कि आपकी बुक्स इसमें क्या लिखती हैं, फिर हम अपने टर्म्स निकालेंगे जिससे कि हम अपने तरीके से इसको करेंगे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो अगर आपने ध्यान से नहीं सुना चीजों को। ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ, हर बुक को लिखने का तरीका अलग अलग है और हम सबसे आसान तरीके से फॉलो करेंगे। तो रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस, बिल्कुल बहुत सिंपल। अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट आ रही है, मान लो सन से आ रही है, एक सब्सटेंस पड़ा हुआ है, कोई भी सब्सटेंस है, ये क्यू हीट लेगा। रूल ये है, हीट तीन तरीकों से ली और दी जा सकती है। क्यू हीट आई और इसमें इस सब्सटेंस ने कुछ हीट को तो रिफ्लेक्ट कर दिया, मान लो शाइनी सब्सटेंस था, चमकने लग गया, कोई भी सब्सटेंस होगा, अगर कोई भी बॉडी हो तो चमके या ना चमके कुछ रिफ्लेक्शन तो उसमें होगी ही होगी, चमकने वाली चीज होगी तो रिफ्लेक्शन दिखेगी। डल सरफेस होगी तो कितनी भी डल सरफेस हो, प्रैक्टिकली कितनी भी डल सरफेस हो उसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का जो प्रिंसिपल है वो रहता ही रहता है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको दिखाई ना दे उसकी चमक, लेकिन फिर भी कुछ रेडिएशन वो रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ हीट वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट आई, कुछ तो उसने लेने से मना कर दिया, रिफ्लेक्ट होगी, बाकी उसने अपने पास रख ली, मीन्स कुछ अमाउंट ऑफ हीट उसने क्या कर ली, एब्सॉर्ब कर ली, और जो एब्सॉर्ब की, या फिर ऐसे कहते हैं कि जब एब्सॉर्ब की तो वो गर्म हो गया, जब गर्म हो गया तो क्या हुआ, तो उसने रेडिएशंस एमिट करनी शुरू कर दी, यानी कि ट्रांसमिट करनी शुरू कर दी। कोई भी चीज को बहुत गर्म कर दो तो मैंने बताया था उसमें से एक जो इंफ्रारेड रेज भी निकलती है, ऐसी बात नहीं है, गर्मा जो है आपको दूर से ही वो चीज एक सेक लगना शुरू हो जाता है उसका। इट मींस कि देखो आपके वो कोई कन्वेंशनल करंट थोड़ी ना, हवा थोड़ा चल रही है उसके आसपास, लेकिन फिर भी आपको गर्मी फील हो रही है, इसका मतलब वो रेडिएशंस निकाल लेगा। दुनिया में कोई भी चीज गर्म होगी वो हमेशा अपने पास हीट को रख नहीं सकता, कोई भी चीज को गर्म कर लो उसने ठंडा होना ही होना है, और कैसे ठंडा होगा, या तो उसका मटेरियल बहुत बड़ा होगा और कुछ पोर्शन उसका ठंडा होगा, तो गर्म जो हीट है वो गर्म बॉडी में से ठंडी बॉडी में ट्रेवल कर जाएगी, या फिर रेडिएशन की फॉर्म में सॉलिड्स है वो क्या करना शुरू कर देंगे, अपनी एनर्जी को एमिट कर देंगे। तो ट्रांसमिट तो इसका मतलब हर कोई करेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली जो टोटल हीट है, क्यू इज इक्वल टू आर प्लस ए प्लस टी। देखो कुछ भी नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन है, टोटल एनर्जी क्यू है जो कि तीन हिस्सों में बट गई। प्रताप आया, आज ऑल प्लेजेंट है सारे, अभी तो प्रॉब्लम है, ये बैच चल कैसे रहा था, पांच सात जब एबसेंट होते थे तो बैलेंसिंग मोड में चला जाता था ना, आज एक्स्ट्रा भी आए हैं ऊपर से ऑल प्रेजेंट भी हो गए, ठीक चलो कोई बात नहीं। अभी देखते हैं, तो Q इज इक्वल टू आर प्लस ए प्लस टी, तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन मैंने कर दिया। ठीक, एक स्टेप और देखना प्लीज, नेक्स्ट अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ, सपोज मैंने क्या किया, न्यूमिनेट दोनों साइड्स के डिनोमिनेटर को टोटल हीट से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास Q बाई क्यू क्या हो गया, वन, वन इज इक्वल टू आर क्यू ए क्यू टी क्यू, बिल्कुल सही आता, कुछ भी नहीं किया मैथ्स है। और मैं ऐसा बोल सकता हूं, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड, और फ्रैक्शन का सम इज इक्वल टू वन, बिल्कुल ठीक है यहां तक। तो फ्रैक्शन को हम ऐसे लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, वन इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड को छोटा आर, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब को ए, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड को छोटा टी। तो ऑब्वियसली स्मॉल आर का मतलब फ्रैक्शन है, तो स्मॉल आर की वैल्यू वन से बड़ी नहीं हो सकती, तो नॉर्मली वन से छोटी होती है, तो तीनों का जो फ्रैक्शन है उनका सम इक्वल टू क्या आ गया, वन आ गया। कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है सबको यहां तक, विकास समझ आ रहा है, ठीक आगे आपके असाइनमेंट पे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने सेम इक्वेशन लिखी लेकिन इनके पैर में क्या लगा दिया, लैम्डा। अब लैम्डा क्यों लगा दिया मैंने, लैम्डा का मतलब है ये जरूरी नहीं है
कि आपकी एनर्जी सनलाइट ही होगी, ये जरूरी नहीं है कि आपकी एनर्जी कोई इंफ्रारेड रेज ही होगी, कोई भी रेडिएशन हो या कोई भी फॉर्म में एनर्जी हो। अब ऐसा होता है, हर मान लो इंफ्रारेड रेज आई या माइक्रोवेव्स आई, ये जो इंफ्रारेड रेज है उनकी तो आपने सुना होगा प्रॉपर्टी है कि जिसके ऊपर गिर जाए वो सब्सटेंस गर्म हो जाता है। तो सनलाइट में गर्म करने वाली चीज है क्या? इंफ्रारेड रेज। तो मेनली तो अगर आप हीट की बात करो तो इंफ्रारेड रेज रिस्पॉन्सिबल होती है हीट के लिए। सो ऐसी माइक्रोवेव भी अगर गिर जाए, घर में खाना हम जो गर्म करते हैं माइक्रोवेव में, तो वो माइक्रोवेव की जो वेव्स हैं वो आपके खाने पे हम गिरते हैं, जिससे खाना क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो बेसिकली क्या है कि हर सब्सटेंस के लिए सेम, आप खाने को बाहर रखोगे गर्म करके वो ठंडा हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन अपनी हीट को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। यहां तक क्लियर है सबको? तो अब इसके अंदर बेसिकली क्या है कि लैम्डा ये शो कर रहा है कि आप दुनिया की कोई रेडिएशन ले आओ एक सब्सटेंस के ऊपर गिर दो, तो चाहे वो इंफ्रारेड रेज हो, चाहे वो माइक्रोवेव्स हो, चाहे वो रेडियो वेव्स हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में एनर्जी हो। मैं वेव्स वेव्स इसलिए बार बार कर रहा हूं क्योंकि वेव की क्या होती है, वेव लेंथ। तो आप किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशन को गिर लो किसी भी सब्सटेंस पे, ये प्रिंसिपल हमेशा फॉलो होगा ही होगा। तो इसलिए इन जनरल क्या लगा दिया, लैम्डा। तो अगर आप लैम्डा नहीं भी लगाओगे तो भी कोई बात नहीं, लगा दोगे इसका मतलब ये शोर है कि ये सिर्फ सन की एनर्जी की बात नहीं कर रहा, ये तो किसी भी आपकी एनर्जी की बात कर रहा है। तो दिस रिलेशन स्टैंड्स फॉर एनी वेव और वेवलेंथ लैम्डा, कोई डाउट इसमें? पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो हम कर सकें, मींस जो इसमें कोई खास बात नहीं है। हाँ, मैं ये बता देता हूँ कि इसको मोनोक्रोमेटिक रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मैंने आपको इसका नाम क्या दिया था, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड। मोनोक्रोमेटिक क्यों बोलते हैं? देखो, हर अगर आप 7 कलर्स लो, एक व्हाइट लाइट 7 रंगों की बनी हुई है, हर कलर की अपनी वेवलेंथ है। रेड की वेवलेंथ अलग है, ग्रीन की अलग है, येलो की अलग है। आप कोई भी वेवलेंथ को गेर लो, हमने डिसाइड किया। अगर आप एक सिंगल कलर वेवलेंथ गेर रहे हो, मीन्स रेड, तो रेड की वेवलेंथ के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो रेड की है ना, येलो की तो नहीं है। तो इट मीन्स कि अगर आप सिंगल कलर लाइट यूज करते हो, सिंगल कलर, तो सिंगल कलर को हम क्या बोलते हैं, मोनो क्रोमैटिक। क्रोमैटिक कलर से है और मोनो मीन्स सिंगल। सिंगल कलर लाइट के लिए या सिंगल वेव की बात कर रहा है, ये नहीं कि मिक्सचर ऑफ वेव्स गिर रहे हो। तो मिक्सचर ऑफ वेव्स के लिए नहीं, आप अगर मिक्सचर ऑफ वेव गिरोगे तो उसका फिर लैम्डा भी उसके अकॉर्डिंगली आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन चलो हम बात करते हैं मोनोक्रोमेटिक वेव्स की या मोनोक्रोमेटिक लाइट की, मीन सिंगल कलर लाइट को आप गिरोगे तो ये प्रिंसिपल उसमें फॉलो होगा ही होगा। सो ए लैम्डा मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्बेंस और टी लैम्डा मोनोक्रोमेटिक ट्रांसमिटेंस। नेक्स्ट है स्पेशल केस है। स्पेशल केस में इफ फॉर अ बॉडी टी इज इक्वल टू जीरो, अगर टी जीरो है तो आर प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। आर का मतलब फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, ए का मतलब फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, मतलब कि ये वो बॉडी की बात हो रही है जो ट्रांसमिट नहीं करती, या तो वो चमकती है रिफ्लेक्ट करती है या फिर वो एब्जॉर्ब कर देती है। सो मीन्स ऐसी बॉडीज के लिए अगर मैं R बड़ा कर दूंगा तो A क्या होगा, कम हो जाएगा, बिकॉज टोटल सम मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। अगर एक R की फ्रैक्शन बड़ी कर दूंगा तो A की फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। जो ज्यादा चमकती हैं, R ज्यादा, जो ज्यादा चमकेंगी उनका A कम होगा, वो गर्म कम होंगी। जो ज्यादा चमकेंगी मीन्स जो रिफ्लेक्ट ज्यादा करेंगी वो एब्जॉर्ब कम करेंगी, एज्यूमिंग कि चलो वो ट्रांसमिट नहीं करती। 2 मिनट, ये सिर्फ किताबों में केस है, अदरवाइज कोई चीज गर्म होगी वो ट्रांसमिट करेगी करेगी। ये सिर्फ एक स्पेशल केस है, बस हम एक बार क्योंकि 1921 का फर्क चलता है कि जो अगर टी लगा भी लोगे तो उस केस में ये रूल तो रहेगा ना, अगर आर बड़ा करोगे तो ए ऑटोमेटिकली छोटा होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट केस है, इट मीन्स इफ आर इज मोर देन ए इज लेस, दैट इज गुड एब्जॉर्बर्स आर बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ, बिल्कुल सही है ना। जो गुड एब्जॉर्बर्स हैं, जो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा वो रिफ्लेक्ट कम करेगा। डल ब्लैक कलर है, बिल्कुल डल, बिना चमकने वाला, गर्म ज्यादा होगा, चमकेगा कम, डल बोला मैंने, चमकेगा कम, तो इसका मतलब सारी हीट जा कहाँ रही है, उसके अंदर जा रही है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट केस है, मान लो किसी बॉडी का आर और टी दोनों जीरो है, जो कि हो ही नहीं सकता, ऐसा हो सकता है, रिफ्लेक्ट भी नहीं करती और ट्रांसमिट भी नहीं करती, यानी कि क्या करती है,
एब्जॉर्ब करती है, ऐसी कौन सी बॉडी है जो बस एनर्जी लेती जा रही है लेती जा रही है लेती जा रही है और देती है नहीं, ना तो चमक रही है पता नहीं हीट कहां जा रही है। एक ही बॉडी है और वो है ब्लैक होल्स, जिसका किसी को आज तक मालूम ही नहीं कि हो क्या रहा है इसमें। सुना है कि मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एमसी स्क्वायर, कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस हो रहा है। तो इसलिए प्रैक्टिकली ये जो चीजें एग्जिस्ट करती नहीं है, बट चलो हम इसको डिस्कस तो कर ही सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो उस केस में क्या होगा। आर और टी दोनों जीरो, इसका मतलब ए इज इक्वल टू वन, दैट इज अ बॉडी नाइदर रिफ्लेक्ट नॉर ट्रांसमिट बट ओनली एब्जॉर्ब, दिस इज नोन एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। एंड ऐसी बॉडी दुनिया में एग्जिस्ट करती नहीं है, लेकिन आपकी किताबों में एग्जिस्ट करती है, आपके क्वेश्चंस आएंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी में। ठीक है आदर, तो इसको देखेंगे कैसे हैंडल करना है। नेक्स्ट है परफेक्ट ब्लैक बॉडी, अ बॉडी विथ नाइदर रिफ्लेक्ट नॉट ट्रांसमिट ओनली एब्जॉर्ब, दिस इज नोन एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट जो मैं डेफिनेशन देने जा रहा हूं वो डेफिनेशन है एब्जॉर्प्टिव पावर की और एमिसिव पावर की। देखो ये जो आपको बुक्स खोलने की जरूरत नहीं है, हर बुक में अपना अपना स्टाइल से लिखा हुआ है, कई लोगों को समझ भी नहीं आता। अगर आप बुक्स पढ़ने बैठ जाओगे तो हो सकता है आपको इतना कंफ्यूज इतना इरिटेट हो जाते हैं, ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, मतलब एकदम थोड़ा कई स्टूडेंट को पसंद नहीं आता बिकॉज इसमें डेफिनेशन 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 ज्यादा है, पर इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। कॉम्पिटिशन का पेपर खोलोगे आपको जरूर इसमें से आपकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपको हर कॉम्पिटिशन में मिलेगा ही मिलेगा इसमें से। तो इसका मतलब आप अगर आपको बोर लगे पसंद लगे कोई फर्क नहीं है, आपको इसके न्यूमेरिकल्स करने ही करने हैं। तो मैं आपको बिना डेफिनेशन के, मेरे को डेफिनेशन नहीं करवानी और ना ही मेरे को, मैं चाहता हूं कि आप इसको घर जाके पढ़ो भी और उसको रट्टा मारने बैठ जाओ कि क्या डेफिनेशन है, कुछ नहीं है। एक चीज सुन लो, अगर वो चीज समझ आ गई तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एब्जॉर्प्टिव पावर की डेफिनेशन है, एब्जॉर्प्टिव पावर इज एनर्जी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बड़ा सिंपल, जब भी कोई बॉडी एनर्जी एमिट करती है बाहर निकालती है, मान लो सन है, सन एनर्जी एमिट कर रहा है, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? ऐसे कैलकुलेट करते हो कि देखो ये सन ने 2 जूल की एनर्जी बाहर निकाली, चलो एक फिगर है 2 जूल, 2 जूल की एनर्जी बाहर निकाली बस। अब सन से अगर आप पूछो कि 2 जूल की एनर्जी बाहर वगैरह, मैं तो पूरा जो है पूरा दिन तो मैं बाहर निकालता हूं, तो 2 जूल कैसे हुई? इसका मतलब पूरा दिन, इसका मतलब टाइम को टाइम फैक्टर आना चाहिए, क्लियर है ना। इसका मतलब किसी भी चीज की एनर्जी की अगर आप बात करो तो आप सिर्फ एनर्जी से कंपैरिजन नहीं कर सकते कि किसकी किसने, मान लो 2 स्फेरिकल बॉडीज हैं, आप ये नहीं कह सकते कि इसने 2 जूल निकाली इसने 4 जूल निकाली, क्योंकि बात थोड़ी ना हुई। आपको क्या करना पड़ेगा, पर यूनिट टाइम कितनी देर में कितनी एनर्जी निकाली, ये 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 इनका कॉम्पिटिशन करेगा। हाँ, जिसको आप शायद पावर बोल सकते हो, पावर क्या होता है, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट। हाँ, पावर एक सेंस, 2 बल्ब हैं, दोनों बल्ब की पावर एक 500 वॉट है एक 200 वॉट है। हाँ, कुछ सेंस बनती है कि अगर इसको मैं एक दोनों को पर्टिकुलर टाइम के लिए चलाऊंगा तो 500 वॉट ज्यादा एनर्जी निकालेगा और 200 वॉट कम निकालेगा, ठीक है ना यहां तक। लेकिन अब सपोज करो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ लाइट की बात नहीं कर रहे कितनी लाइट बाहर निकली कितनी पावर है। बेसिकली जो पावर है ना, जो हम कैलकुलेट करते हैं पावर, पावर इलेक्ट्रिसिटी की कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाती है। पावर बिजली कितनी कंज्यूम की वो पावर है। आप अगर इलेक्ट्रिकल की शॉप पे जाओगे हर इक्विपमेंट के ऊपर लिखा हुआ है पावर इतनी है, तो दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि आपके कमरे में कितनी लाइट गई, दे आर बॉदर्ड कि इसने बिजली कितनी खींचनी है और 1 सेकंड में ये इतनी एनर्जी जनरेट कर सकता है, ठीक है यहां तक। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू लो तो ये डेफिनेशन थोड़ी इनकम्प्लीट है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स तो ये देखेगी कि बल्ब में से या किसी स्फेरिकल बॉडी में से एनर्जी बाहर निकली कितनी, ये नहीं देखेगी कि उसने एनर्जी जनरेट कैसे की, कितनी बिजली लेके की, मेरे को नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि पावर इलेक्ट्रिसिटी वालों के लिए ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वालों को क्या लेना देना कि यहाँ पर कितनी एनर्जी बाहर गई नहीं गई, सनलाइट की फॉर्म में गई क्या, मुझे नहीं मालूम। इलेक्ट्रिसिटी वाले ये कैलकुलेट करते हैं कि मैंने इतने टाइम के लिए अपना बल्ब जला दिया, उसने इतनी एनर्जी रिलीज कर दी, एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर। लेकिन हम यहाँ पर ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है, तो उसके लिए एक और टर्म यूज करना होता है जिसको हम बोलते हैं एरिया। एक स्फेरिकल सरफेस है बड़े एरिया की, एक स्फेरिकल सरफेस है छोटे से एरिया की।
ये तो देखो अगर दो बल्ब हैं, पावर दोनों की सेम है, बिजली उन्होंने सेम लेनी है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि जो हीट बाहर निकल रही है वो किसकी ज्यादा निकल रही है। ऑब्वियसली जिसका एरिया बड़ा होगा वो ज्यादा सरफेस में हीट को रिलीज करेगा, जिसका एरिया कम होगा कितना भी जोर लगा लोगे इतनी सी चीज पूरे कमरे को गर्म तो नहीं कर सकती। बड़ी चीज रखोगे हल्की सी भी गर्म है तो भी आप फील कर सकते हो कि उनकी जो हीट रिलीज है दैट कैन बी एक्सपीरियंस बाय ऑल, ठीक है ना। इसका मतलब एक और फैक्टर बीच में आ गया जिसको क्या बोलते हैं, एरिया। तो अगर दो स्फीयर्स हैं एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो उनका एरिया भी मैटर करता है। अगर मान लो प्लैनेट इतना सा छोटा सा है और एक प्लैनेट जुपिटर जितना बड़ा है तो इनका क्या मुकाबला है। अगर दोनों ने एनर्जी सेम रिलीज भी कर दी तो उस केस में जुपिटर के केस में यू कैन फील मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू दी स्मॉल पॉइंट मास। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं एरिया भी कॉम्पिटिशन में है जब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, कितनी हीट रिलीज की गई। तो इसलिए एक टर्म यूज की गई, एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हाँ, यहां पर मैं बार बार डिस्कस जो वर्ड यूज कर रहा हूं कितनी एनर्जी रिलीज की, अगर मैं वर्ड रिलीज यूज करूं तो आपने क्या टर्म यूज करनी है, एमिसिव पावर। तो एमिसिव पावर का मतलब होता है कि एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, यहां तक क्लियर है। और अगर मैं एब्जॉर्प्टिव पावर की बात करूं तो बस एमिसिव एमिटेड वर्ड की जगह क्या वर्ड यूज करोगे, एब्जॉर्ब। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रही है बात सबको। तो बस कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो जब कंपैरिजन होगा तो इन दो चीजों से होगा, ठीक। आपकी नॉलेज के लिए एक और चीज बता दूं मैं, ये इनकम्प्लीट टॉपिक छोड़ रहे हैं हम यहां पर। आप कहोगे इनकम्प्लीट कैसे हुआ, बस एक डेफिनेशन ही तो थी। अब यहां से एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो लाइट को स्टडी करती है, सिर्फ लाइट, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। प्लस टू का टॉपिक है ऑप्टिक्स। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दो बल्ब हैं, दो प्लैनेट्स हैं या कोई भी दो स्फेरिकल सर्फेसेस हैं, दोनों ने हीट एमिट करनी शुरू कर दी, ठीक। और कैसे एमिट की, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एमिट की, ठीक। नॉर्मली चलो बल्ब ले लो, दो बल्ब ने लाइट एमिट की, एक बड़ा बल्ब है एक छोटा बल्ब, तो कितनी एनर्जी लाइट एनर्जी बाहर आ रही है। तो ये तो सेम ही चीज हो गई ना, बस हीट की जगह हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, लाइट यूज कर रहे हैं। कितनी लाइट एनर्जी बाहर आ रही है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, उसको हम नाम देते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट की टर्म में बस इसको इंटेंसिटी बोल देते हैं। तो इंटेंसिटी का अगर आप फॉर्मूला पूछो तो इंटेंसिटी इज एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। इसका मतलब एक और टॉपिक इसको इंटेंसिटी, एक और जो आपकी जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी इसमें इंटेंसिटी। जो डोंट वरी, अभी हम करने वाले हैं नहीं इसमें इंटेंसिटी, कुछ नहीं करना हमने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस कॉन्सेप्ट को और आगे कंटिन्यू करते हुए ऑप्टिक्स हम जब प्लस टू में करेंगे उसके अंदर एक टॉपिक आएगा जिसको स्पेशल नाम दिया गया है फोटोमेट्री। फोटोमेट्री स्टडी ऑफ लाइट, नहीं स्टडी ऑफ लाइट तो ऑप्टिक्स है, स्टडी ऑफ कि कितनी लाइट एनर्जी बाहर निकलती है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। मीन्स इन सारी क्वांटिटीज को कितनी लाइट, यार फर्स्ट यूनिट्स एंड डायमेंशन, कैंडला इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये वही तो है। अगर लाइट वर्ड यूज कर दोगे तो कैंडला वर्ड यूज कर लेना, अगर लाइट नहीं यूज करनी तो एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिव पावर से काम चला। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो अभी सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है और कुछ नहीं करना। किरचॉफ लॉ, देखो किरचॉफ लॉ अभी कुछ नहीं है, ये देखेंगे जब न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंगली आपने कुछ नहीं याद करना, किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर की रेशियो हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, सेम नहीं, कॉन्स्टेंट, ठीक। मतलब अगर मेरी एमिसिव और एब्जॉर्प्टिव पावर को डिवाइड करोगे तो रेशियो जो है ई लैम्डा है, एंड जो भी अगर आप अपनी डिवाइड करोगे तो आपका कोई मीन कॉन्स्टेंट आएगी। और अगर कॉन्स्टेंट आएगी तो मुझे एक चीज बताओ क्या, कि और ये किसके इक्वल आएगी, हमेशा किसके इक्वल आएगी, ये इक्वल आएगी ई लैम्डा के, कैपिटल ई लैम्डा के। कैपिटल ई लैम्डा का मतलब होता है एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी को
अगर आप एक देखो ये कुछ ऐसा है, एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया हमने, रेफरेंस पॉइंट किसको माना, ब्लैक बॉडी को मान लिया। विद रिस्पेक्ट टू दैट ब्लैक बॉडी आप किसी भी बॉडी को कंपेयर करो, रेड कलर बॉडी, ब्लू कलर बॉडी, कोई भी, तो उसकी एमिसिव और एब्जॉर्प्टिव पावर इसके इक्वल आती है, दैट इज एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जो भी होती होगी उसको छोड़ दो। सीखने वाली बात यह नहीं कि इतनी होती है, सीखने वाली बात यह है कि अगर किसी भी बॉडी का एमिसिव और एब्जॉर्प्टिव पावर अगर मान लो कॉन्स्टेंट है, तो जो ज्यादा एमिट करेगी वो ज्यादा, रेशियो बराबर है ना, अगर रेशियो सेम है इसका मतलब न्यूमिनेटर बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा, मींस जो बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी वो ज्यादा एमिट भी करेगी। अगर मैंने हीट ज्यादा एब्जॉर्ब कर ली तो देखो मैं, ये तो रूल है नेचर का, कोई एनर्जी पकड़ के नहीं रख सकता, एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म हो ही जाएगी। तो अगर एक बॉडी को बहुत बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाओगे, आपने उसको ज्यादा हीट दे दी, एब्जॉर्ब कर लिया उसने, तो उसकी रेडिएशन भी उतनी ही ज्यादा होगी। कोई ठंडी बॉडी है, कम टेम्परेचर की बॉडी है, उसकी रेडिएशन उतनी ही कम होगी। पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी को इसमें? और वैसे भी सबको पता ही है जो जितनी गर्म बॉडी होगी एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा होगी, एमिसिव पावर भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब ये एक जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, देखो ये पूरा का पूरा चैप्टर टू बी वेरी फ्रैंक मैथमेटिकल बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरे का पूरा चैप्टर रिसर्च ओरिएंटेड है। रिसर्च ओरिएंटेड किसे बोलते हैं कि किसने एक्सपेरिमेंट किया 100 डिफरेंट बॉडीज पे, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये कंक्लूजन निकाले कि ऐसा ऐसा होता है। हमने जाके अलग अलग बॉडीज पे एक्सपेरिमेंट तो करना नहीं, और ना ही हमने इसका कोई मैथ्स किया, तो हमने सिर्फ क्या किया, सिर्फ रिजल्ट सीखे ऐसा होता है, ठीक है यहां तक। अब जब इतना रिजल्ट सीख ही लिया, अब एक बड़ा फेमस रिजल्ट है जिसको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। तो ये लॉ है ऑब्वियसली, और लॉ के हम प्रूफ्स नहीं देखा करते, देख सकते हो बट प्लस टू में नहीं देखा करते, एटलीस्ट प्लस वन में या प्लस टू दोनों में नहीं देखा करते, क्योंकि जब तक आप एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ नहीं लोगे, ऑब्वियसली अगर किसी ने लॉ बनाया है तो पता नहीं कितने साल उसको लगे होंगे उस लॉ बनाने में, पूरा मीन्स पूरी जिंदगी में एक अचीवमेंट लॉ बनता है, और कई बार लॉ बनने के बाद नोबेल प्राइज भी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है, तो छोटी बात नहीं है। तो ऑब्वियसली मैं अब इसको जाके देखूं कि उसने अपने 25 साल के करियर में ये लॉ निकाला, और मैं देखूं उसने कैसे कैसे किया, ऑब्वियसली दिस इज अगेन कंडीशन कि व्हेन आई एम गोइंग टू री इन्वेंट अ व्हील बोला जाता है ना, चक्के को दोबारा मत बनाना शुरू कर दो कि वो गोल क्यों होता है। तो अब अगर व्हील की कंपनी खोलनी है तो वो ऐसे ही होंगे जैसे होते हैं, तो सब आरएनडी हुई हुई है उसी तरीके से। तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ का रिजल्ट सुन लेते हैं, और बिना मैथमेटिकल प्रूफ के, क्योंकि कोई भी रिसर्च मैथमेटिकल प्रूफ के बिना नहीं चलती। सो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर लिए, जैसे एक टेम्परेचर लिया 3500 केल्विन, 4000, 4500, 5000 एंड सो। ये ग्राफ, इस ग्राफ से अभी कोई लेना देना नहीं है, आपने क्या करना है, आपने ग्राफ प्लॉट करना है इसका, ये आपके पास एक्स एक्सिस इज नॉट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर नहीं है, ये क्या है, वेवलेंथ है, चेक कर लें, वेवलेंथ है, ना वो वेवलेंथ नहीं है। देखो एक्स एक्सिस प्लीज साइलेंस, जो आपका एक्स एक्सिस है वो लैम्डा है, वेवलेंथ है, वाई एक्सिस ई लैम्डा है, ई लैम्डा का मतलब किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर का मतलब एनर्जी कितनी उसने एमिट की पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ठीक है यहां तक। और ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि जब उसने क्या किया, अलग अलग मान लो एक बॉडी ली, कोई भी एक बॉडी फिक्स कर ली उसने क्या किया, उसने सपोज करो उसको गर्म कर दिया, और कितने टेम्परेचर पे गर्म कर दिया, मीन 998 को कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पे काम हो रहा है, गर्म किया, जब उसने उस बॉडी को गर्म किया उसको ठंडा होने दिया, मीन्स उसने देखा कि जब एक बॉडी को गर्म करके छोड़ दिया तो वो एनर्जी क्या करेगी, अपने में से एमिट करेगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जब गर्म बॉडी को छोड़ दिया तो सबसे पहले कुछ रेडिएशन उसे एमिट की जो कि शुरू में कम थी, लैम्डा कम है, फिर टाइम के साथ रेडिएशन उसने बढ़ानी शुरू की,
ज्यादा लैम्डा बढ़ रहा है, लैम्डा बढ़ रहा है, लैम्डा बढ़ रहा है, लैम्डा बढ़ रहा है मींस कि उसने लैम्डा की वैल्यू ज्यादा, लैम्डा की ज्यादा वैल्यू अचीव करनी शुरू की, या फिर ऐसे बोलो एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया ज्यादा उसने किया। शुरू में एनर्जी उसने एमिट की, फिर ज्यादा की, फिर ज्यादा की, फिर ज्यादा की, फिर मैक्सिमम हुई और फिर उसने कम करना शुरू कर दिया। तो ये ग्राफ बना किसी भी एक सब्सटेंस। फिर उसने क्या किया, उसने फिर से उसी बॉडी को गर्म किया, लेकिन इस बार जो गर्म किया उसका टेम्परेचर 1095 रख दिया, लेट्स से ज्यादा टेम्परेचर पे किया, ज्यादा गर्म किया, फिर देखा कि उसमें से कितनी एनर्जी एमिट हो रही है पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो उसने देखा कि जब एनर्जी पहले एज यूजुअल ग्राफ ऐसा ही बना जिसमें पहले एनर्जी एमिटेड कम थी, फिर ज्यादा हुई, ज्यादा हुई, मैक्सिमम हुई और फिर कम होनी शुरू हो गई, जीरो। फिर उसने क्या किया, सेम बॉडी ली, फिर गर्म किया, लेकिन इस बार गर्म किया एट 1260, सेम ग्राफ, सेम ग्राफ, सेम ग्राफ। उसने अलग अलग टेम्परेचर पे ये कर्व बनाए, कर्व की शेप बेसिक शेप ऐसे ही आती गई, जिसको बेल शेप बोल सकते हैं, इसको बेल शेप ग्राफ बोलते हैं, कुछ पहले कम फिर मैक्सिमम और फिर नीचे की तरफ, ठीक है यहां तक। अब उसने जब ध्यान से इस ग्राफ को देखा तो जो पीक्स हैं, ये पीक अचीव्ड हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू एनर्जी एमिटेड, दिस इज दी, ये वो पॉइंट है जब एनर्जी एमिटेड मैक्सिमम है, ये पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जब इस केस में एनर्जी एमिटेड मैक्सिमम है, ये वो पॉइंट है जब यहां पर मैक्सिमम, एंड सो ऑन। तो उसने जब इन सारे पीक्स को मिलाया तो ऐसा लगा कि ये पीक्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक आएंगी, लेकिन नहीं आई, ये पीक्स शिफ्ट होती गई टुवर्ड्स लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। जैसे जैसे उसने टेम्परेचर बढ़ाया, मैक्सिमम वैल्यू, ये वो पॉइंट है जब एनर्जी एमिटेड मैक्सिमम है। तो एनर्जी एमिटेड जब मैक्सिमम होती है वो पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो, मतलब एक के ऊपर एक लाइन नहीं आई। अब और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये पॉइंट और ज्यादा इधर शिफ्ट हो जाएगा, अगर आप बहुत 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 टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये पॉइंट भी बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम एनर्जी जल्दी अचीव हो जाएगी और फिर ये ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो ये मीन्स इसका एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर ये पीक यहां पर है, ये यहां पर है, ये यहां पर है, ये यहां पर है और ये यहां पर है, ये लाइन ज्वाइन कर दी उसने जो कि वर्टिकल नहीं आई, थोड़ी टिल्टेड आई। तो उसने एक कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन ये निकाला, इधर देखना कंक्लूजन सामने क्या, कि सपोज आप किसी भी टेम्परेचर पे काम करते हो, वो 998 हो सकता है, 1095 हो सकता है, 1260, कुछ भी, आप किसी भी टेम्परेचर पे काम करो, लेट से लैम्डा एम वो वेवलेंथ की वैल्यू है जब एनर्जी एमिटेड क्या रही, मैक्सिमम रही। लैम्डा एम, जो लैम्डा एम है, मान लो इसके लिए लैम्डा एम ये रहा, इसके लिए लैम्डा एम थोड़ा जल्दी आ जाएगा, इसका लैम्डा एम और जल्दी आएगा, इसका लैम्डा एम और जल्दी आएगा और इसका लैम्डा एम और जल्दी आएगा। लैम्डा एम का मतलब एम स्टैंड फॉर मैक्सिमम, वो लैम्डा की वैल्यू जब एनर्जी एमिटेड क्या रही, मैक्सिमम। एम स्टैंड फॉर मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम नहीं, एनर्जी मैक्सिमम। तो अगर आप मैथमेटिकली इन दोनों का प्रोडक्ट लो, इन जनरल वी कैन से लैम्डा इनटू टी इज अ कांस्टेंट, इन शॉर्ट कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा एम की वैल्यू कम होगी, और लैम्डा एम कम होने का मतलब जो पीक ऑब्जर्व होगी वो जल्दी अचीव हो जाएगी, वो कम वैल्यू ऑफ लैम्डा पे होगी। तो अगर आप जितना कम टेम्परेचर रखोगे पीक उतनी ही लेट ऑब्जर्व होगी, पीक शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स राइट। पॉइंट क्लियर है, बस ये कंक्लूजन है जिसको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं, बिना मैथमेटिकल प्रूफ के, जिसकी डिस्क्रिप्शन आपको गिवन है, एट ईच टेम्परेचर ब्लैक बॉडी एमिट्स कॉन्टिन्यूस हीट रेडिएशन स्पेक्ट्रम। ये मुझे, और हाँ, ये एक्सपेरिमेंट ब्लैक बॉडी के लिए हुआ है, बताना भूल गया, तो ये किसी भी बॉडी के लिए करोगे उसके लिए भी चलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट इसने पहली बार किया था ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी पे चल रहा है। सो द एनर्जी एसोसिएटेड विद रेडिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी एसोसिएटेड विद रेडिएशन इंक्रीज होगी, उसके बाद क्या होगा, एट अ गिवन टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद रेडिएशन इनिशियली इंक्रीजेज विद वेवलेंथ एंड आफ्टर बिकमिंग मैक्सिमम कॉरस्पॉन्डिंग टू अ वेवलेंथ लैम्डा एम इट डिक्रीजेज। और पढ़ना नहीं आपको, बस लैम्डा इनटू टी इज अ कांस्टेंट है, कोई नहीं, ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि डिस्कस करो वेव डिस्प्लेसमेंट लॉ, कुछ नहीं आता, आएगा
करेगा तो इसका न्यूमेरिकल आएगा आपको, ठीक। जैसे क्वेश्चन में ऐसा आता है, मैं भी करवाऊंगा आपको, कि मान लो टेम्परेचर टी वन है और लैम्डा वन की वैल्यू दे दी जब पीक ऑब्जर्व हुआ, तो बताओ लैम्डा टू पे टेम्परेचर टी टू कितना होगा जब पीक ऑब्जर्व होगा। मीन्स कहने का मतलब कि लैम्डा वन देगा और टी वन भी दे देगा, लैम्डा टू देगा और टी टू पूछ लेगा, तो ऑब्वियसली इन दोनों का प्रोडक्ट तो हमेशा वेट डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, और अभी नहीं करना इसे। सो डेफिनेशन तो क्लियर है, इट स्टेट्स दैट प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू विच मैक्सिमम एनर्जी इज एमिटेड एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपको देखने स्टीफन्स लॉ, लॉ पे लॉ है इसके अंदर, सारे लॉ इकट्ठे कर दिए, बार बार डोज नहीं देनी आपको हर चैप्टर में, एक ही बार सारा काम खत्म कर देना है, लॉ पे लॉ काम ही खत्म करेंगे। देखो अब स्टीफन्स लॉ आ गया, अगेन विदाउट मैथमेटिकल प्रूफ, लॉ हम प्रूफ नहीं देखेंगे, हम ये लॉ मान के चलेंगे ऐसा खुद है। तो देखो इस लॉ ने आपको क्या बताया कि इट स्टेट्स दैट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, मिसिव पावर हो गई, मिसिव पावर क्या होती है, कितनी एनर्जी एमिट हो रही है पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो इस लॉ ने ये बताया कि एनर्जी, दिस इज नॉट इन जूल्स, इसके यूनिट जूल नहीं होंगे, एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया होंगे। सो किसी भी बॉडी के अंदर से कितनी एनर्जी एमिट हो रही है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज टू पावर। ये आपने याद रखना है, और ताकि स्टीफन को लोग हमेशा याद रखें, उसने कांस्टेंट अपने नाम का लगाया जिसको बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट, आज भी याद रखा जा रहा है स्टीफन्स कांस्टेंट। तो जिसकी वैल्यू कितनी है 5.67 × 10⁻⁶, हाँ इसकी वैल्यू बड़ी अच्छी है याद करने के लिए, 5, 6, 7 और 8 सारे नंबर आ रहे हैं इसमें, तो ये आपको याद रखने, ये लॉ भी क्लियर है। और ये लॉ किसके लिए है, फॉर अ ब्लैक बॉडी, परफेक्ट। ये पूरा चैप्टर किसके लिए है, फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो फिर प्रैक्टिकल क्या होगा अगर ये चीजें थ्योरेटिकल हैं। अभी एक चीज आने वाली है जिसको हम बोलते हैं एमिसिविटी, अभी मैं आपको बताता हूं उसके लिए आपको क्या करना है, प्लीज 2 मिनट साइलेंस, मैं बताता हूं कि इसको उन क्वेश्चंस को कैसे करना है जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की कैटेगरी में नहीं आती। देखो इधर, तो इसमें आपको क्या करना है, पर उससे पहले एक स्टीफन लॉ और सुन लो, इसी का एक सेकेंड वर्जन है कि सपोज करो एक बॉडी का टेम्परेचर टी था, उसमें से कितनी एनर्जी एमिट हुई पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ई, तो हमने लॉ बना दिया ई सिग्मा टी फोर। सपोज करो कि आपके पास कुछ ऐसी बॉडी है, एक ये इनर शेल है एक आउटर शेल है, कुछ ऐसे जो इनर शेल है लेट्स से उसका टेम्परेचर टी है और जो आउटर शेल है उसका टेम्परेचर टी नॉट है, और मान लो इनर शेल का टेम्परेचर ज्यादा है और आउटर शेल का कम है, तो हीट कहां से कहां जाएगी, फ्रॉम इनर टू आउटर जाएगी, किसी भी मेथड से जाए इनर से आउटर जाएगी, फ्रॉम हॉट टेम्परेचर बॉडी टू अ कोल्ड टेम्परेचर बॉडी, कितनी एनर्जी जाएगी फ्रॉम इनर बॉडी टू आउटर बॉडी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। सॉलिड नहीं है, ऐसी बस दो बॉडीज हैं और अंदर गर्म है और बाहर ठंडी है, तो रेडिएशन की फॉर्म में हीट चली जाएगी, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी कितनी एनर्जी ट्रेवल करेगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, सिग्मा टी की पावर 4 माइनस सिग्मा टी नॉट रेज टू पावर 4। जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा वो एनर्जी इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस होगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो इसको न्यूमेरिकल में देखेंगे कि अगर दो बॉडीज हैं, एक ज्यादा टेम्परेचर पे है और एक कोल्ड टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर डिफरेंस है तो एनर्जी कैन बी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया कितनी, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब बात करते हैं उन बॉडीज की जो परफेक्टली ब्लैक नहीं होगी, ठीक। आपने कुछ नहीं करना, वैसे 99% क्वेश्चन जो है वो ब्लैक बॉडी पे ही आते हैं, बट अगर सपोज आ जाए कोई क्वेश्चन तो आपने उस केस में क्या करना है, ध्यान से सुन लो, ये रिलेशन तो आई गया ब्लैक बॉडी के लिए, इन केस अ बॉडी इज नॉट अ परफेक्टली ब्लैक देन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, बाकी सब कुछ सेम है, ई इज सिग्मा
टी की पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4, ठीक है। इसके आगे आपने एक स्मॉल ई टर्म लगा दी, स्मॉल ई एक नंबर है, स्मॉल ई को बोलते हैं इमिसिविटी ऑफ अ सरफेस। अब ये इमिसिविटी क्या होती है सरफेस की, जैसे एक रेड कलर बॉडी है, मैं ये बोलता हूं कि अगर रेड कलर बॉडी है उसकी इमिसिविटी हाफ है, यानी कि अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी इतनी एनर्जी एमिट कर सकती थी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो रेड कलर बॉडी ई लगा दो आगे क्या हो जाएगा, इंटू हाफ, क्योंकि जो ब्लैक बॉडी कर सकती है वो बाकी कलर्स कर ही नहीं सकते। नहीं, अगर हाफ क्वेश्चन में गिवन होगी, रेड कलर के लिए हाफ है, ब्लू के लिए 1/3 है, तो जो भी उसकी एमिसिविटी होगी, क्योंकि कलर डिपेंडेंसी है ना, तो सबसे ज्यादा ब्लैक कलर जो एब्जॉर्ब कर सकता है या एमिट कर सकता है और कोई कर नहीं सकता, तो सबसे ज्यादा, तो मैं ऐसे बोलूं परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए स्मॉल ई क्या होगा, एमिसिविटी क्या होगी उसकी, 1। तो ऑब्वियसली अगर ये 1 कर दोगे तो इससे ज्यादा, क्योंकि ये फ्रैक्शन होती है बेसिकली, फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी हो नहीं सकती, तो यानी कि, और मैक्सिमम फ्रैक्शन की वैल्यू किसको असाइन की हुई है, फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो अगर ई 1 हो जाएगा तो ये आंसर आ गया, और बाकी कलर इससे छोटे होंगे, तो ई की वैल्यू कभी किसी की 1/2 होगी, 1/3 होगी, जो भी होगी आपको न्यूमेरिकल में वो गिवन होगी, आपको याद नहीं करना। तो जितने भी आपने इमिसिविटी, इमिसिव पावर के रिजल्ट्स किए, जैसे ये एक रिजल्ट किया, अगर दो बॉडीज नहीं है, सिंगल कलर बॉडी है, तो आप इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ई से। मतलब ये एक तरीका बताया गया है उन कलर्ड बॉडीज के लिए जो परफेक्टली ब्लैक की कैटेगरी में नहीं आती, तो आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, उसकी बॉडी की इमिसिविटी से, और इमिसिविटी का सिंबल क्या है, स्मॉल ई, ठीक है। यहां तक बाकी मैं आपको पुराने आए हुए न्यूमेरिकल जब सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। यहां तक अब एक जो टॉपिक है सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ सन, लोग दूसरे बैच से आए हैं, एक मिनट हाथ खड़ा करना, ठीक है। मैंने शायद कल जो नहीं आए थे मैंने अनाउंस की है, सैटरडे की आपकी क्लास, सैटरडे को जो शाम वाली क्लास है 7:30, वो दिन में 11:30 है, आपकी सुबह सैटरडे को 11:30 है। इस बैच के बच्चे, उनके लिए कुछ नहीं है। हाँ, अगर फ्राइडे को मिस हो जाता है ये जरूर सुन सकते हो, अगर फ्राइडे को मिस होगी क्लास आपकी तो आप सैटरडे को शाम को मत आना, सैटरडे को 11:30 पे आना, ठीक। दूसरे बैच के स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, बोलो
ओके प्लीज साइलेंस। अभी देखो मैं कुछ बोलूं, प्लीज सर देखो देखो प्लीज आपको क्या करना है इसमें जो भी टेस्ट होगा उसकी कॉपी वो डाउनलोड में आपने जाना है और यहाँ पर सारे सॉल्यूशंस मैं अपलोड करूंगा और मैंने कुछ अपलोड भी किया हुआ है अपने क्लास प्लस वन को देखने फॉर एग्जांपल प्लस वन सॉल्यूशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या प्लस वन सॉल्यूशन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने बताया था जो लोग लिख नहीं पाते या नोट्स पूरे नहीं हो पाते तो आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड जो भी मैंने क्लास में प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ तो उसकी आपको ये फाइल इसमें मिल जाएगी और जिनके पास इंटरनेट है कितने लोग हैं जिनके पास नहीं था एक आपने अगर इंटरनेट है तो जरूर हो सकता है ठीक और कोई बात नहीं साइलेंस साइलेंस वापस शुरू करते हैं बहुत क्रिटिकल हो गया था चैप्टर इसके ब्रेक लिया था दो तीन मिनट का ताकि फिर से अब मोमेंटम जनरेट करते हैं देखो सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ सन को निकालने का क्या तरीका है कुछ आपको याद करना पड़ेगा कुछ आपको समझना पड़ेगा तो कैसे आपको इसको लिखना है इसको ध्यान से देखें सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ सन अगर आपको निकालना है तो यहां से शुरू करते हैं
मान लो ये सपोज सन है और जो सन है उसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, ठीक। और सन का सरफेस एरिया कितना है, 4π r², ठीक हो गया यहां तक। सन एनर्जी एमिट कर रहे हैं, किस शेप में कर रहे हैं, स्फेरिकल कर रहे हैं, हर तरफ करेगा, हर तरफ का मतलब शेप क्या बनेगी, स्फेरिकल करेगी। अगर उसकी शेप स्फेरिकल है तो स्फेयर का कोई रेडियस आर भी होगा। और मान लो हम अर्थ में हैं, अर्थ जो है यहां पर है और इतने रेडियस में ये एमिट कर रहा है अपनी एनर्जी को कैपिटल आर, तो पूरा सरफेस एरिया, इतने सरफेस एरिया में ये एमिट कर रहा है 4π r², ठीक है यहां तक, कोई डाउट है इसमें? तो मैं इसमें ऐसा बोल सकता हूं कि सपोज करो कि आपका जो सन है उसका एरिया क्योंकि 4π r² है, तो एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इंटू टी की पावर 4 लगा दिया मैंने, स्टीफन लॉ लगाया इसके ऊपर। तो यहां पर मैंने, और ये सब अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट कैलकुलेशन। तो सिग्मा इंटू टी की पावर 4, मान लो टी इज द टेम्परेचर ऑफ अ सन। अब लेफ्ट साइड पे यूनिट्स क्या चल रहे हैं, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। एक काम करो, सन का जो एरिया है उसको राइट साइड पे ले आओ, तो अब लेफ्ट साइड के यूनिट्स क्या बने, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड अब ई स्टैंड फॉर एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, ये पॉइंट सबको क्लियर है क्योंकि एरिया तो मैं राइट साइड पे ले गया। तो मेरे पास, आपके पास जो एनर्जी एमिटेड की जो वैल्यू आई वो ये आ गई, आगे नहीं देखना, यहां तक क्लियर है, ठीक है, इसको संभाल के रखो। अब एक स्टेप पहले आ जाओ, ये इस एक टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है सबसे पहले, जिसको बोलते हैं सोलर ल्यूमिनोसिटी, ल्यूमिनोसिटी, और ये आपका फोटोमेट्री ऑप्टिक्स की टर्म लेके आ रहा है, बिकॉज सनलाइट के ऊपर काम हो रहा है, सन की जो एनर्जी के ऊपर काम हो रहा है। तो क्या किया इसमें, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय सन पर सेकेंड इन ऑल डायरेक्शन, दिस इज नॉट इक्वल टू एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा एरिया नहीं बोला, मैंने सिर्फ क्या बोला, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड। वैसे तो एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पावर भी होती है, पर पावर नॉर्मली टर्म यूज करते हैं जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना, ये तो एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड है, ठीक। और इसका जो एक सिंबल है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल, एल, एल एस स्टैंड फॉर सन, ल्यूमिनोसिटी ऑफ, किसी बल्ब की ल्यूमिनोसिटी कैलकुलेट नहीं कर रहे हम, किसी जो है सन की कैलकुलेट कर रहे हैं, एल ऑफ एस। आगे अब एल एस निकालने का एक तरीका है, क्या तरीका है, एल एस निकालने का ये तरीका है कि अगर मैं सन से एनर्जी निकलवाऊं, निकल गई, कितने सरफेस एरिया में उसकी एनर्जी फैल गई। देखो दो चीजें हैं, पहली चीज कि मैंने इसको कुछ अमाउंट दिया, लेट से 100 रुपीज दिए, इसने मुझसे 100 रुपीज लिए, और एनर्जी कंजर्वेशन, अगर एनर्जी लॉस नहीं है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी शेयर्ड सेम है, 100 दिए 100 लिए, ठीक। तो एक देने का पर्सपेक्टिव है, देने का पर्सपेक्टिव कौन बताएगा आपको, स्टीफन लॉ, कि एक सन में से कितनी एनर्जी निकली हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो एनर्जी कहां गई, आसपास के सरफेस एरिया में फैल गई, तो आसपास में कितनी एनर्जी फैल गई, डिस्ट्रीब्यूट हुई, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या टर्म यूज की, ल्यूमिनोसिटी, और कितने सरफेस एरिया में फैल गई, 4π r² into a constant which is known as a solar constant. अब ये solar constant को जरा ध्यान से देखना, इसकी कोई value calculate कर रखी है अपने, जिसकी लिए value है, और जरा units देख लेना, watts per meter square, यानी कि energy power, यानी कि energy per second per meter square, याद रख, सबको clear है। अगर मैं इस term को area से multiply कर दूं, तो meter square से meter square क्या हो जाएगा, cancel, तो क्या बचेगा, watts, यानी कि एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड। तो देखो मैंने वही किया, मैंने कितने एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जितने एरिया में उसकी एनर्जी जा रही है, तो कितने एरिया में जा रही है, 4π r², अगर मैं इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सन की एनर्जी कितने एरिया में फैली वो मैंने निकाल ली, और इसको इससे रिप्रेजेंट किया एल एस से, ज्यादा क्लियर है। एक चीज हमने निकाली सन ने कितनी एनर्जी निकाली, और एक हमने निकाली सन की एनर्जी कितने एरिया में स्प्रेड हुई, दोनों की वैल्यू शुड बी सेम, जो बाहर निकली वो स्प्रेड हुई, ये
स्प्रेड हो गई एनर्जी, और जो अभी हमने स्टीफन लॉ निकाला, स्टीफन लॉ, ये एनर्जी रेडिएट हुई, और हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट, इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेम्परेचर ऑफ अ सन। तो ये एक अप्रोक्सीमेट तरीका है, तो जिसमें स्मॉल आर का मतलब सन का रेडियस भी आ रहा है, कैपिटल आर का मतलब कितने रेडियस में स्प्रेड हो रही है अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है वो भी आ रहा है, और सोलर कॉन्स्टेंट भी आ रहा है, स्टीफन कॉन्स्टेंट भी आ रहा है। तो ये एक तरीका है जिससे कि अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ सन कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, तो सिर्फ इसलिए करवाया, देखो ना तो इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आने वाला है, भूल जाओ, और सिर्फ इसलिए कि अगर आपके स्कूल में अगर बाई चांस आ जाए तो आप कम से कम, आपको पता होगी हमने कैसे कैलकुलेट, क्योंकि आपकी बुक्स में गिवन भी है ये, तो अगर गिवन है तो आप कंफ्यूज ना हो जाओगे, हमें एक टॉपिक नहीं करवाया, उस टॉपिक में था कुछ नहीं, जो इतना करवाना था बस इतना ही करवाया। बाकी इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, करेक्शन मुझे मालूम नहीं इसमें कहा है, चलो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का टॉपिक तो एक डिफरेंट टॉपिक है, जो मैं आपको इस बैच में, मीन्स रेगुलर बैच में, तो मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताऊंगा कि जो कॉम्पिटिशन में आया हुआ न्यूमेरिकल है उसको कैसे सॉल्व करना है, या आपके अगर स्कूल में आ जाए तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। जो उसकी बेसिक थ्योरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, और या तो उसको एडवांस बैच में, या फिर मे बी नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसको, इसको एक प्रॉपर टॉपिक है ये, लेकिन आपके नॉर्मल बुक्स में गिवन नहीं है तो मैं इसको सेपरेट ही रखता हूँ उससे। ठीक, तो अभी इसको मैं यहीं क्लोज करता हूँ, और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगा, अभी इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं जो अभी हमने काम किया, इसमें इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे 16th न्यूमेरिकल है, देखो क्वेश्चन है कि टू मेटल क्यूब्स ए एंड बी आर ऑफ सेम साइज आर जॉइंड एज शोन, एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन आर मेंटेन्ड एट इंडिकेटेड टेम्परेचर्स, अरेंजमेंट इज इंसुलेटेड, सो कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए एंड बी आर गिवन, सो कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के यूनिट्स बड़े वॉट्स और एम सी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तो वर्ड्स वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मतलब जूल पर सेकंड ही होगा, इसका मतलब ऐसा ही चल रहा है। अब ऐसे अगर आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के यूनिट्स, तो हमने फर्स्ट डे निकाले हुए हैं इन यूनिट्स एंड डायमेंशन, क्यू का फॉर्मूला लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, के एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, आंसर आ जाएगा। सो मान लो ये ऐसे यूनिट है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस जब मैं इनको क्या करूंगा, जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा, मीन्स इंटरफेस व्हेन अ स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, दिखाता हूं, सी का मतलब मिड पॉइंट होगा ना इनका, मीन इंटरफेस होगा। देखो सबसे पहली चीज, क्वेश्चन को समझो, एक बॉडी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरी बॉडी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, किसी को कोई डाउट है इसमें, ठीक है यहां तक, तो हीट फ्लो कर रही है। नेक्स्ट, सपोज मैंने एक इंटरफेस ले लिया इनका, इंटरफेस मीन जहां पर ये दोनों ज्वाइन हो रही है,
तो एक्चुअल में बॉडी तो ये है, ये तो सिर्फ एक एक हॉट और कोल्ड बॉडी है, बॉडी तो ये है ए एंड बी। मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, ये मैंने इनको ज्वाइन किया। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे ज्वाइनिंग पॉइंट, जिसको जंक्शन बोलते हैं या इंटरफेस बोलते हैं, इंटरफेस का क्या निकालना है, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। ठीक है यहां तक? अब मेरे को एक चीज मालूम है कि सपोज दो रॉड्स हैं, ये फर्स्ट रॉड है और मान लो ये एक सेकंड रॉड है, K1, K2, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई है। ठीक है यहां तक? तो अगर मैं यहां का टेम्परेचर T1 कर दूं हाई, यहां पर T2 कर दूं लो, तो क्या ट्रेवल करेगी इसमें? हीट। तो मैं ऐसा कह सकता हूं अमाउंट ऑफ हीट दोनों में सेम होगी? नहीं कह सकता। अच्छा, मैं ये कह सकता हूं अमाउंट ऑफ हीट पर सेकंड दोनों में सेम होगा? नहीं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है हीट ट्रेवल करेगी ये तो मानते हो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अमाउंट ऑफ हीट जो पास कर रहे हैं फर्स्ट बॉडी और सेकेंड बॉडी में किसी भी टाइम पर सेम होगी? नहीं होगी। हीट पर सेकेंड सेम होगा, ये भी सेम नहीं होगा, ये डिफरेंट है। ओके, अब इसको करने के लिए मुझे अब एक और चीज बताओ। मान लो एक रेजिस्टेंस है ए और दो, R1, R2, ठीक। यहां पोटेंशियल V1 है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल V1 है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल V2 है, तो देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। और रूल है इलेक्ट्रिसिटी का कि क्या फ्लो करता है, चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, ठीक है ये चार्ज का मतलब क्या होता है, या सॉरी आई एम सॉरी करंट मूव करेगा, रादर मुझे चार्ज नहीं, मुझे करंट वर्ड यूज करना चाहिए, ओम्स लॉ में के साथ कंपेयर कर रहा हूं। तो करंट मूव करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जैसे मैं इसमें मूव करवा रहा हूं, मीन इसमें करंट होगा, जैसे चार्ज मूव करता है फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, पर चलो इसमें लेट से चार्ज मूव कर रहे यानी कि करंट है। तो मेरे को एक चीज बताओ कि चार्ज, ऑब्वियसली करंट किसका बना हुआ है, चार्ज का, चार्ज अपॉन टाइम की वैल्यू, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं चार्ज अपॉन टाइम की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली सेम है? चार्ज अपॉन टाइम होता क्या है, करंट, और सुने आपने सीरीज में करंट की वैल्यू क्या रहती है, मैंने बताया था प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में पाइप्स इन सीरीज पाइप्स इन पैरेलल, याद है पाइप्स में मैंने एग्जांपल दिया था कि जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में होती है तो करंट क्या रहता है उनमें, सेम। मटीरियल रेजिस्टेंसेस का डिफरेंट है लेकिन फिर भी चार्ज अपॉन टाइम यानी कि करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम। लेकिन मैंने साथ में यह भी बताया था कि अगर एक वायर है और वो स्प्लिट हो जाती है, एक वायर दो वायर्स में, तो अगर इसमें आई करंट आ रहा है, मान लो वायर स्प्लिट हो गई, अगर इसमें आई करंट आ रहा है तो जंक्शन पे कुछ करंट ऊपर चला जाएगा और कुछ करंट नीचे आ जाएगा, सच दैट आई इज इक्वल टू आई वन प्लस, ठीक है ना, ये पैरेलल का केस होता था बिकॉज दीज टू वायर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है ना यहां तक। उसी तरीके से एक चीज सुन लो कि अगर रॉड्स, जैसे पाइप्स इन सीरीज पाइप्स इन पैरेलल, मैं याद दिला दूं हमने प्रॉपर्टी का मैटर किया था, एक बड़ी पाइप है इसके बाद एक छोटी पाइप थी, ठीक, हमने ऐसे किया था, इसको छोटा कर दिया था कुछ इस तरीके से। तो अगर एक बड़ी पाइप है एक छोटी पाइप है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर सपोज करो, सपोज यहां पर क्या फ्लो कर रहा है, लिक्विड, यहां पर लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो हमने क्या डिसाइड किया था, क्या सेम होगा, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू दोनों में क्या रहेगी, कोई डाउट इसमें? और वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का एक स्पेशल नाम था, क्या, वॉटर करंट, वाटर करंट, याद है। अब हम वाटर करंट की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, हीट करंट की बात कर रहे हैं। हीट करंट का मतलब क्या होगा, हीट डिवाइडेड बाय, यानी कि क्यू डिवाइडेड बाय टी। तो याद रहे अगर रॉड्स
अगर दो रॉड्स हैं K1 एंड K2 एंड आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी समझते हो कांस्टेंट, वर्ड यूज हो रहा है इसमें कांस्टेंट, तो स्टेडी स्टेट का मतलब कि हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम दोनों के अंदर एग्जैक्टली क्या होगा सेम, चाहे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिफरेंट है, एक हम कैलकुलेट करेंगे बाय K1 और दूसरा कैलकुलेट करेंगे बाय K2, पर लेकिन क्यू बाय टी की वैल्यू स्टेडी स्टेट में क्या रहेगी सेम, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कर रही है यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर यही रॉड्स किसमें जाएंगी पैरेलल में, ये दो रॉड्स हैं, तो क्यू अपॉन टी जो भी यहां पर होगा, कुछ हीट इसमें चली जाएगी कुछ इसमें जाएगी, तो क्यू अपॉन टी इन फर्स्ट रॉड, क्यू अपॉन टी इन सेकेंड रॉड, सच दैट क्यू अपॉन टी टोटल क्यू अपॉन टी वन प्लस क्यू अपॉन टी टू। बात समझ में आ रही है, इसको हम थर्मल करंट बोल सकते हैं, हीट करंट बोल सकते हैं, तो क्यू अपॉन टी की जो वैल्यू है वो दोनों रॉड्स में क्या हो जाएगी सेम एड हो जाएगी, पैरेलल में एड हो जाएगी, सीरीज में सेम है। तो अब अगर मैं वापस क्वेश्चन पे आ जाऊं, स्टेडी स्टेट गिवन है, लेट से इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, मान लो इंटरफेस का टेम्परेचर थीटा हो गया, तो यहां का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100 माइनस थीटा, यहां का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है थीटा माइनस 0, बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, स्टेट स्टेडी है, स्टेडी स्टेट का मतलब कि हीट फ्लोइंग पर सेकेंड दोनों में क्या रहेगी एग्जैक्टली सेम, कर दे सेम। तो सबसे पहले फर्स्ट रॉड के लिए Q बाय टी, Q का फॉर्मूला लिख लें पहले एक मिनट, Q का फॉर्मूला क्या है, K A T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम D, और T को यहां ले आए, वैसे T राइट साइड पे होता है, और अगर मैं T को लेफ्ट साइड पे ले आऊं तो क्या जाएगा हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो मैंने टाइम को राइट साइड से उठा के कहां पर ले आया लेफ्ट पे आया, विद आउट इसमें समझ में आ रही है, क्यू बाई टी का फॉर्मूला सबको मालूम है, इक्वेट कर दो ऊपर पुट कर दो, क्योंकि क्यू बाई टी की वैल्यू दोनों के अंदर क्या होगी एग्जैक्टली सेम। तो देखो क्यू अपॉन टी की वैल्यू मैं सेम करने जा रहा हूं, फर्स्ट रॉड के लिए के ए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100 माइनस थीटा इंटू ये के ए मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए, इसके नीचे ए है, इंटू एरिया ए, तो याद रहे इसका एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एग्जैक्टली क्या है एरिया मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना होता है सेम है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, क्या ये इक्वल लेंथ रॉड है आइडेंटिकल है, और अगर आइडेंटिकल है तो इसकी लेंथ अगर एल है तो इसकी लेंथ भी एग्जैक्टली एल है, विदाउट इसमें ठीक है, यहां तक मस्ट बी इक्वल टू, सेकेंड रॉड के लिए बोले के ऑफ डी इंटू थीटा माइनस जीरो, एरिया सेम है और डिस्टेंस बिटवीन देम इज एल, कैंसल एरिया सेम है, थीटा निकाल लेना आंसर आ गया, के के भी कितना 60 डिग्री आंसर है, कोई डाउट इसमें, पॉइंट सबको क्लियर है ठीक। तो आपने स्टेडी स्टेट में क्यू अपॉन टी की वैल्यू को क्या कर देना है इक्वल, समझ आ रहा है, ओके नेक्स्ट करना 18th,
मैक्सिमम एट, मैक्सिमम एट मींस ये लैम्डा एम गिवन है, इफ टेम्परेचर ऑफ सन इज गिवन, सो ये क्या गिवन है, टी लेट से वन गिवन है, लिखिए लैम्डा एम वन गिवन है. इफ व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ अ स्टार, कंपैरिजन हो रहा है इसका किसके साथ, स्टार के साथ, तो जिसका टेम्परेचर टी टू आपको गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट लैम्डा ऑफ एम टू, आई एम सॉरी उल्टा कोई बात नहीं, ये लैम्डा ऑफ एम टू गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट टी टू. सो क्या यूज करेंगे, टी वन लैम्डा एम वन, टी टू लैम्डा एम टू, फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट टी टू. ए नॉट का मतलब है एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर माइनस 10. कोई डाउट इसमें, अगर कुछ नहीं गिवन ना तो आपने बाय डिफॉल्ट उसको ब्लैक बॉडी ही लेना, अगर ब्लैक बॉडी नहीं होगी तो आपने ई लेना है, एमिसिविटी लेनी है. देखो जो रिलेशन लगते हैं वो नॉर्मली जितने प्लैनेट्स हैं ना वो ई सिग्मा टी फोर के साथ ही चलती है, उसकी सन की एमिसिविटी मैं नहीं निकाल सकता, मतलब अप्रोक्सीमेटली उसको हम सेम ही लेके चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और वैसे भी ये जो रिजल्ट है, ये जो इसमें एमिसिविटी ई कैसे आएगी, स्मॉल ई, तो एनर्जी के अंदर आती है ना, वैसे भी इसमें तो वैसे ही नहीं आती, तो ये तो किसी भी स्टार के लिए किसी भी प्लैनेट के लिए रिजल्ट सेम है. पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो इस बार मैं देखूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कौन पढ़ के देगा कौन पढ़ के नहीं देगा, जिसको जिसने प्रैक्टिस नहीं की और जिसका स्कोर एक मिनिमम के नीचे आया, मैं आपको बता रहा हूं मैं पेरेंट्स को कॉल करूंगा, मेरे को अब रिजल्ट चाहिए. ऐसे ही चलता रहेगा तो रिजल्ट इस तरीके से आएगा नहीं, बात समझ में आ रही है, जाओ और जाके प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं.